हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप अपने घर में खैरियत से रहें, खैर वाफिस से रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अपने घर में बहुत खुश रहें। और हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हमारा चैनल भी खूब ग्रो करे और खूब तरक्की करे और हम भी ठीक रहें। तो आज हम बना रहे हैं खिचड़ा रेसिपी। ये हलीम का भाई होता है, ये किसी की फरमाइश पे बना रहे हैं। अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर पूरी करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है गंदुम। ये गंदुम धुली हुई है, इसका छिलका उतरा हुआ है। तो 2 कप हमने मेजरिंग कप से गंदुम ली है और 1 कप जौ लिया है। तो ये दोनों डाल के 5-6 घंटे के लिए भिगो देंगे। अगर 5-6 घंटे, कम से कम 5-6 घंटे भिगोएं, अगर टाइम है तो ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। तो ये हम ओवरनाइट सोक कर लेंगे। तो ये हमने साइड पे रखा, अच्छी तरह से पहले धो लेंगे, फिर उसके बाद पानी डाल के ओवरनाइट सोक करेंगे। तो ये साइड पे रखा। अब यहाँ पे हम दालें देख लेते हैं। तो दालों में चने की दाल 1 कप जाएगा, 1 कप चने की दाल जाएगी और बाकी सब दालें ये 1/4 कप, ये 1/4 कप है। अगर ये मेजरिंग कप नहीं है तो टेबल स्पून तो सभी के पास होता है, तो 4-4 टेबल स्पून सारी दालें ले लें। तो यहाँ पे मूंग मसूर की दाल ली है 1/4 कप, मूंग की दाल ली है 1/4 कप, उड़द दाल ली है 1/4 कप, उड़द दाल माश की दाल भी बोलते हैं इसको, अरहर की दाल ली है ये भी 1/4 कप यानी 4 टेबल स्पून, और 4 टेबल स्पून चावल लिए हैं। ये जो है पकाने से 1 घंटा पहले धो के हम सोक करके लेंगे। और गंदुम को लाजमी 5-6 घंटे पहले भिगोएं या फिर ओवरनाइट भिगोएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। वीट और जौ को रात भर सोक करके ले लिया है। अब इसमें हम 7 गिलास पानी डालेंगे, 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल के इसको 30 मिनट के लिए पकाएंगे। पहले 5 मिनट फुल फ्लेम पे पकाएंगे, फिर उसके बाद 25 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, फिर इसका प्रेशर इसी में ठंडा होने देंगे, फिर निकालेंगे इसको घोट के किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, फिर बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रेशर ख़त्म करने के बाद देखा तो ये नीचे बैठी हुई थी गंदुम, तो इसको चम्मच से थोड़ा सा हिला लिया। अब इसको ये घोटना है, यहाँ पे इस टाइप का घोटना है, इससे अच्छे से घोट लेंगे थोड़ा सा, जितना भी घोट सकता है। और घोटने के बाद इसमें पतीली में, बड़े पतीली में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर उसके बाद जो दाल हमने दिखाया था, दिखाते हैं, 1 घंटा पहले सोक करके रख लिया था, ये देखिए 1 घंटा पहले सोक करके रख लिया था, इसको भी बॉईल करेंगे कुकर में डाल के 20 मिनट तक इसको पका लेंगे। 5 मिनट पहले फुल फ्लेम पे बनाएंगे और 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसका प्रेशर आने देंगे। गंदुम जो है दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया था और सेम कुकर में यहाँ पे दाल डाला है और दाल पे 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया और 4 गिलास पानी डाला है और 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी ये डालकर इसको 20 मिनट पका लेंगे। पहले फुल फ्लेम पे बनाएंगे प्रेशर आने तक, फिर उसके बाद 15 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। पका के मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल भी गल गई है अच्छे से, इसको भी थोड़ा सा घोटा लगा लेते हैं इसी से, और घोटा लगा के इसी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिसमें गंदुम ट्रांसफ़र किया था।
ट्रांसफर करके, गोटा लगा के ट्रांसफर करके मिलते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 कप ऑयल ले लिया है, उसको गरम कर लिया है। और यहाँ पे 3 बड़े साइज की प्याज ऐसे स्लाइस काट लिया है, इसको पहले डालकर फ्राई करेंगे। इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये लाइट ब्राउन हो गई है, तब यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, ये दोनों इसमें डालेंगे और 30 सेकेंड के लिए इसको भूनेंगे। ये भून लिया, अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है ये तीखी वाली, 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरमा मसाला, ये होममेड कोरमा मसाला है, हम इसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, देख लीजिएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि मसाला जले ना, 2 मिनट के लिए भून लेंगे। एक टीस्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल लें, क्योंकि गंदम में भी डला हुआ है और दाल में भी डला हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 किलो गोश्त, ये बीफ बोटी है और चिकनाई भी थोड़ी बहुत है, चिकनाई के साथ डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे 3-4 मिनट। चार पांच मिनट अच्छे से इसको भून लिया, अब इस पे 3 गिलास पानी डालेंगे। और 25 मिनट इसको गलने देंगे। मिनट फुल फ्लेम पे बना करेंगे, फिर 25 मिनट इसको तेज इसमें पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 25 मिनट हमने इसको अच्छे से गला लिया, 5 मिनट फुल फ्लेम पे रखा, 25 मिनट वैसे गला लिया। तो अब इसको इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड कर लिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा बहुत घोटा भी लगा लेंगे। हलीम में और खिचड़े में थोड़ा सा फर्क होता है, हलीम में हर चीज घुट जाती है, पेस्ट बन जाता है, और खिचड़े में जरा मोटा मोटा रहता है। इसमें सारी चीजें मिक्स करके इसको थोड़ा सा घोटा लगा लेंगे। इसको घोट लिया, अब यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये पानी गरम किया हुआ है, ठंडा नहीं डालना है इस स्टेज पे, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, फिर पका के डिश आउट करेंगे, फिर मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मज़ेदार खिचड़ा फरमाइश पे बनाया है। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, और जब पानी डाल रहे हो तो गर्म पानी से इसको कंसिस्टेंसी एडजस्ट करना। जब खाना होगा तो प्लेट बनाते हुए आप ये सब कुछ चीज़ें डाल के अपनी प्लेट बना लें, यानी चाट मसाला, तली हुई प्याज और जलन अदरक नींबू वगैरह डाल के
मजे से खाए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।